नमस्ते वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 21 मई और आज है मेरा बर्थडे और मैं अभी का अपना सारा जो दिन का शेड्यूल है कंप्लीट करके आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए कि बर्थडे वाले दिन मैं क्या करता हूँ। तो बर्थडे वाले दिन कुछ खास नहीं, मैंने अपना वही सुबह अपना काम निपटाया, फिर मैं थोड़ा घर आके बैठ गया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए। आजकल एक तो यार मौसम ऐसा हो रहा है, लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत नींद आ रही है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा घर पे आके रेस्ट कर लिया। उससे पहले मैंने अपना काम निपटा लिया था, फिर उसके बाद मैं बाहर गया था कुछ काम से और मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने आप को बर्थडे पे कोई गिफ्ट दिया जाए। तो मेरे को एक सेपरेट फ़ोन की ज़रूरत थी, फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ iPhone 7, जिससे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे पास अभी कोई प्रॉपर DSLR नहीं है, आने वाले टाइम में वो भी ले लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए जो मैं अभी जो स्टार्ट किया मैंने वो अपने फ़ोन से ही किया है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम गिफ्ट की, तो मैंने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग के टाइम पर ही आप देख लेना कि गिफ्ट क्या है। चलिए उसकी पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं Redmi Note 7 Pro। तो जी हाँ, मैंने अपने आप को अपने बर्थडे पे यही गिफ्ट किया है, और ये यार मेरे को सेपरेट फ़ोन की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं एक ज़रूरत की चीज़ अपने आप को दी जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फ़ोन के फ़ीचर्स क्या हैं। मैंने वैसे खुद तो देख लिया है, सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। तो इसमें है 48 MP प्लस 5 MP का AI डुअल कैमरा। जो इसमें यार 48 MP का कैमरा, वो एक्चुअली 48 MP का है नहीं, वो है 12 MP का। 48 MP का वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सोनी का सेंसर है जो 48 MP कैमरा से वर्क कर सकता है, और जो इसके 12 MP के कैमराज हैं वो छोटे छोटे पिक्सल्स को मिला के बनाए गए हैं, तो इसलिए ये 48 MP की परफॉर्मेंस भी दे सकता है। और इसमें है स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर, 6.3 इंच की इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, और 4000 mAh की बैटरी है, जो कि एक दिन के लिए अगर आपका बहुत हैवी यूज़ है उसके लिए बहुत है। तो चलिए अब इसको खोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस फ़ोन को ऐसे पकड़ के रखो और ये अपने आप बाहर, ढक्कन की हमें ज़रूरत नहीं है, ढक्कन फेंक देते हैं। इसके अंदर है TPU केस और मैनुअल केस, हम बाद में ले लेंगे, नहीं चाहिए। ये है बिल, मेन बात करते हैं फ़ोन की। तो मैंने ये ब्लू कलर का फ़ोन लिया है, काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें फ़ोन को रखते साइड में, नीचे इसमें कुछ खास है नहीं। चार्जिंग केबल है जो है Type-C और USB, बाकी इसमें है नॉर्मल चार्जर। बाकी अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो अलग से ख़रीदना पड़ेगा, कंपनी नहीं देती क्योंकि पैसा बहुत है, लोग लेंगे। तो चलिए अब इसकी ज़रा ये रैपिंग उतारते हैं, जो सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है। देखने में तो बहुत प्यारा लगता है यार ये, फ्रंट से भी उतारते हैं, करते हैं अब इसको ऑन। एक्चुअली मैं इसमें अपनी सिम डाल चुका हूँ, तो बस अनबॉक्सिंग करनी थी इसकी, दिखाना था आप लोगों को कि मैं अपना बर्थडे कैसे स्पेंड करता हूँ। मैं अपने हर बर्थडे पे अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसी जो मेरे को चीज़ ज़रूरत की चाहिए होती है वो मैं अपने आप को गिफ्ट करता हूँ। तो चलिए अब आगे के दिन की बात करते हैं, ये तो हो गया अनबॉक्स। तो ये फ़ोन लेने का प्लान शेर भाई की दुकान पे बना था, अचानक मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने शेर भाई को ऐसे ही बोला, मैंने कहा यार अगर तुम्हारे किसी जान पहचान के पास है तो पता करवा दो, अगर होगा तो मैं अभी ले लूँगा। तो उन्होंने अपने एक दो जान पहचान वालों को फ़ोन किया, तो उसमें से एक के पास था, तो उन्होंने कहा कि इतने इतने का है, आप अगर लेना है तो आगे ले जाओ। तो मैंने शेर भाई मेरे को देख रहे, तो मैंने शेर भाई को कहा चलो फिर अगर है तो ले कर आते हैं। तो फिर हम उनकी शॉप पर गए और हमने ये ले लिया। फिर वहाँ पे उसका हमने, मैंने पहले ही बोल दिया था यार इसको खोलना मत, मेरे को इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है। तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही दे दिया, मैंने पेमेंट करी, फिर हम शेर भाई की दुकान पे आ गए। अब शेर भाई की दुकान पे आने के बाद मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ रेडी कर रखा है। शेर भाई के साथ मेरे एक भाई और हैं, रमाकांत भाई, तो वो पीछे से केक लेके आए हुए थे, और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि केक वेक का कुछ होगा। तो अभी मैं फ़ोटोज़ में आपको दिखा दूँगा, हमने 2-3 फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करी थी। तो शेर भाई ने ये इंतज़ाम करा रखा था, और यार जब जो चीज़ एक्सपेक्टेड ना हो और वो हो जाए ना, तो बंदे को एक अलग ही खुशी होती है। तो मुझे इस बात को देख के यार बहुत खुशी हुई, और सही में शेर भाई ने कल मेरा दिन बना दिया। और घर पे भी सबने मेरे को बहुत अच्छे से विश किया, सबने बहुत प्यार दिया। प्यार तो रोज़ ही मिलता है, लेकिन जो इन दिनों का जो ख़ास बात होती है ना यार, वो अलग ही होती है। तो बस हमेशा मेरी फैमिली जो है मेरे साथ रहती है, मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करती है, और यही चीज़ यार इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए। लेन देन एक वो होता है, स्वभाव होता है, बाकी जो
रिश्ते होते हैं सिर्फ प्यार दिखा के ही जताए जाते हैं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को इतनी अच्छी मम्मी मिली है और इतनी अच्छी बहन मिली है, बाकी मेरे परिवार वाले सारे इतने अच्छे हैं, सारे सपोर्टिव हैं, कोई मेरे को किसी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करता, बस समझाते हैं कि बेटा देख ऐसे नहीं, ऐसे कर तो ऐसे हो सकता है, तो यही बड़ा अपने बड़ों की सुन के चलो यार, हमेशा सफलता पाओगे। तो बस यही है, मैं अपना बर्थडे वाला दिन ऐसे ही बिताता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर भी कर मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।